हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए। आज के दो या दो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से जो है सर्कुलर 568 पर जो है अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। स्पर्श ने जो सर्कुलर 568 का एरियर है उसकी सहूलियत के लिए दोस्तों अब नए नियम जारी किए गए हैं। और अब दोस्तों जो है जो 568 का जो एरियर है वो इजीली दोस्तों किस तरीके से मिल रहा है पूर्व सैनिकों को, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। और जहाँ पे जो PCDA का जो 568 सर्कुलर है, जिन लोगों को अब 568 का सर्कुलर नहीं मिल रहा था, एरियर नहीं मिल रहा था, और जिन लोगों जो एलिजिबल थे दोस्तों, उनके लिए जो है अब काम आसान हो गया है। जहाँ पे वो CP ग्राम को जो है मैं अपना ग्रीवेंस लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद से दोस्तों CP ग्राम की से फिर CPPC पे जाके फिर CPP से लेके जो है स्पर्श में करना पड़ रहा था। अब एक नया लेटर जारी किया गया है जहाँ पे डायरेक्ट जो है स्पर्श को अगर किसी की कोई कंप्लेंट आती है, और खासकर या तो 568 के एरियर से या 570 के एरियर से, तो जो अब CPPC जो है ऑन बिहाफ ऑफ पेंशनर डायरेक्टली जो है जो स्पर्श को रेकमेंड करेगा, स्पर्श को जो है आदेश देगा, स्पर्श को जो है नोटिफाई करेगा कि इन पेंशनर्स का जो है आपको इतना पेंशन में बढ़ोतरी करनी है। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब CPPC के की तरफ से जो है ऑटोमेटिकली इसको जो है स्पर्श को रेकमेंड किया जाएगा, और स्पर्श इसको जो है आगे जाके जो है जिसको भी जितनी पेमेंट करनी है वो स्पर्श के माध्यम से होगी। तो अब जो है दोस्तों आपका जो 568 का जो पेमेंट है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, जहाँ पे जो है आप जो CP ग्राम में जो है ग्रीवेंस डालने के बाद आपको वेट करना पड़ता था, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता था, वो सारे के सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, चाहे 568 का सर्कुलर हो चाहे 570 का, जो भी आपको एरियर मिलना है वो अब आपको जो है जो CPPC है वो आपके बिहाफ पे इंस्ट्रक्ट करेगा। बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। और दोस्तों, दूसरे अपडेट में जो है अब जो है फैमिली पेंशनर्स के लिए ये लेटेस्ट अपडेट है, जहाँ फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में अब कोई भी कटौती नहीं होगी। और अब फैमिली पेंशनर्स जो है, अगर कोई पेंशनर्स के टाइम जो है कुछ रिकवरी था, कुछ पेनल्टी था जो कि पेंशनर्स को देना था और जो चल रहा था, वो अब फैमिली पेंशनर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अब फैमिली पेंशनर्स पे ख़त्म हो जाएगा। और फैमिली पेंशनर्स को जो पेंशन का भुगतान है वो पूरा होगा। जो पेंशनर्स का जो के टाइम पर जो जो चल रहा था, जो भी नुकसान हो रहा था, वो अब नए नियम के अकॉर्डिंग फैमिली पेंशनर्स को वो नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट है, फैमिली पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी, इवन अगर कोई पहले कटौती चल भी रही थी। दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।